नमस्कार, आपका स्वागत है इतिहास के पन्नों में, जहां हम बात करेंगे कि इतिहास की किताब में आज की तारीख के पन्ने में क्या लिखा हुआ है। आज 19 जून है। आज के इतिहास की अगर हम बात करें तो आज राहुल गांधी का जन्म दिवस है। आइए आपको राहुल गांधी के जीवन और राजनीतिक करियर के बारे में बताते हैं। राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को नई दिल्ली में हुआ था। उनके माता पिता पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और सोनिया गांधी हैं, जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। उनकी एक छोटी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा है। राहुल गांधी की दादी दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हैं। 16 दिसंबर 2017 को अपनी आधिकारिक ताजपोशी के बाद राहुल गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वह राजनीति में सक्रिय रूप से शामिल अपने परिवार की चौथी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। राहुल गांधी को 2009 के आम चुनावों में कांग्रेस को महत्वपूर्ण जीत दिलाने का श्रेय दिया जाता है। 48 साल की उम्र में राहुल पूरी पार्टी की बागडोर संभालते हैं और उसे दिशा देते हैं। फिलहाल उनका फोकस कांग्रेस पार्टी की जड़ें मजबूत करने पर है। राहुल गांधी का प्रारंभिक जीवन, शिक्षा, करियर और अन्य प्रासंगिक विवरण आगे हम इस बारे में जानते हैं। आइए आपको राहुल गांधी के जन्म और फैमिली के बारे में बताते हैं। राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को दिल्ली में हुआ था। उन्हें भारत के प्रमुख राजनेताओं में से एक माना जाता है और वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं। उनका जन्म देश के प्रसिद्ध गांधी नेहरू राजनीतिक परिवार की चौथी पीढ़ी का प्रतीक था। राहुल गांधी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और वर्तमान कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के बेटे हैं। उनकी एक छोटी बहन है जिसका नाम प्रियंका गांधी वाड्रा है। राहुल गांधी की दादी का नाम इंदिरा गांधी था, जो पूर्व प्रधानमंत्री रहीं। आइए अब आपको राहुल गांधी की उम्र और उनके राजनीतिक करियर के बारे में अधिक जानकारी देते हैं। राहुल गांधी जो वर्तमान में 53 वर्ष के हैं, उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा पूरी करने और 3 साल तक निजी कंपनियों में काम करने के बाद अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। उन्होंने 2004 में उत्तर प्रदेश के अमेठी निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़कर राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश किया। इन चुनावों में उनकी जीत ने उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के भीतर एक सफल नेता के रूप में चिन्हित किया। इसके अतिरिक्त विदेशी मीडिया आउटलेट्स के साथ कई साक्षात्कारों के माध्यम से उन्होंने खुद को राष्ट्र के लिए एक एकीकृत व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया। 2006 के चुनाव में रायबरेली में राहुल गांधी और उनकी बहन ने 4 लाख वोटों के अंतर से जीत हासिल कर सत्ता हासिल करने के लिए प्रचार किया था। इस जीत के बाद 24 सितंबर 2007 को उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का महासचिव नियुक्त किया गया। इस भूमिका में उन्हें भारतीय युवा कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ का प्रभार सौंपा गया। 2009 में राहुल गांधी ने फिर से 3,33,000 वोटों के भारी अंतर से अमेठी सीट जीती। इन लोकसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 80 में से कुल 21 सीटें जीती, जिससे राज्य में पार्टी की संभावनाएं पुनर्जीवित हो गई। 19 जनवरी 2013 को जयपुर में आयोजित पार्टी सदस्यों की बैठक में राहुल गांधी को पार्टी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। वह पार्टी ढांचे के भीतर दूसरे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गए, जिसमें उनकी मां सोनिया गांधी शीर्ष स्थान पर थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने अपनी प्रतिद्वंदी स्मृति ईरानी को हराकर अपनी अमेठी सीट बरकरार रखी। हालांकि 2019 के चुनाव में उन्होंने वायनाड सीट तो जीत ली, लेकिन अमेठी में उन्हें बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी के खिलाफ 55,120 वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा। आइए आपको बताते हैं कि राहुल गांधी की राजनीति में एंट्री कैसे हुई और भारत जोड़ो यात्रा करने से क्या हासिल हुआ। राहुल गांधी की राजनीति में एंट्री साल 2004 में हुई। उन्होंने अपने पिता राजीव गांधी की सीट अमेठी से पहली बार लोकसभा सांसद चुने गए। 2009 लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी लगातार दूसरी बार अमेठी से सांसद चुने गए। इसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में भी सीट बरकरार रखी। हालांकि 2019 के चुनाव में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से चुनाव हार गए। इस दौरान राहुल गांधी को कांग्रेस का महासचिव नियुक्त किया गया। राहुल भारतीय युवा कांग्रेस की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। जनवरी 2013 में राहुल गांधी को कांग्रेस उपाध्यक्ष बनाया गया। दिसंबर 2017 में राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। लोकसभा चुनाव 2019 में पार्टी की हार की जिम्मेदारी लेते हुए राहुल ने 3 जुलाई 2019 को अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। राहुल गांधी ने 54 साल की उम्र में कई उतार चढ़ाव देखे हैं।
जब वह 14 साल के थे तो उनकी दादी इंदिरा गांधी का मर्डर हो गया था। जब वह 21 साल के हुए तो 21 मई 1991 को उनके पिता राजीव गांधी की हत्या हो गई। पिता की मौत से राहुल गांधी को गहरा सदमा लगा। आइए हम आपको बताते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी को एक नई पहचान मिली थी। साल 2014 के बाद से कांग्रेस कई चुनाव हारी, पार्टी के कई राज्यों से सरकार चली गई। पार्टी में नया जोश भरने के लिए राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली। यह यात्रा 7 सितंबर 2022 से 30 जनवरी 2023 तक चली। इस दौरान राहुल गांधी की इमेज काफी बदली हुई नजर आई। इस दौरान उन्होंने समाज के अलग अलग तबसे आने वाले लोगों से मुलाकात की। वह भीषण सर्दी में भी एक टी शर्ट पहने नजर आए। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने दाढ़ी नहीं बनवाई। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा देश के 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरी। भारत जोड़ो यात्रा को शरद पवार की एनपीसी, फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों का समर्थन मिला। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस पर केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमला बोलना जारी रखा। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि इस यात्रा से राहुल गांधी के इमेज में बड़ा बदलाव देखा गया। आइए अब आपको बताते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में कौन कौन से बड़े चेहरे शामिल हुए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में विपक्ष के कई नेताओं के अलावा कई फिल्मी हस्तियां भी शामिल हुई। बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर, स्वरा भास्कर, रिया सेन, फिल्म मेकर पूजा भट्ट, एक्टर अमोल पालेकर, काम्या पंजाबी, तमिल एक्ट्रेस पूनम कौर, एक्ट्रेस रश्मि देसाई, आकांक्षा पुरी, राम्या, रितु शिवपुरी, सिंगर टी एम कृष्णा, कॉमेडियन कुणाल कामरा समेत कई लोग शामिल हुए। अब आपको आगे बताते हैं कि उनके हाथ से कैसे सांसदी गई और जेल जाने से बचे। राहुल गांधी मोदी सरनेम से जुड़े एक मानहानि के मामले में अपनी सांसदी गवा बैठे। सूरत कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाते हुए जुर्माना भी लगाया। इस दौरान राहुल जेल जाने से भी बचे। सजा के ऐलान के अगले ही दिन राहुल गांधी को लोकसभा सचिवालय ने अयोग्य घोषित कर दिया। राहुल को दिल्ली में अपना सरकारी बंगला भी खाली करना पड़ा। आज के इतिहास के पन्ने में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए इतिहास के पन्ने के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए एशियन भारत।